फ्रेंड, आज मैं आप लोग को बताऊंगी बेसन का हलवा की रेसिपी। देखिए कितने अच्छे से ये बना है। चलिए इसी तरीके से मैं आप लोग को भी बनाने के लिए बताऊंगी और बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगी मैं। ज़्यादा ये हार्ड नहीं बनाने, मैं बिल्कुल कम चीज़ से बताऊंगी मैं बनाने के लिए। तो चलिए बनाने के लिए स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम। सब लोग में आप लोग का ढेर सारा स्वागत है। आज मैं बताऊंगी बेसन की हलवा की रेसिपी। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए मैं क्या क्या ली हूँ। देखिए 8 से 10 काजू ली हूँ, इसको बीच से मैं काट दी हूँ इस तरीके से। और मैं गड़ी भी ली हूँ, आपका मन होगा तो डालिएगा, नहीं तो नहीं डालिएगा। हमको ये बहुत अच्छा लगता है हलवा वगैरह में डाल के खाने में, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये नारियल है, ड्राई नारियल है, इसको मैं पीसेस में काट ली छोटे छोटे पीसेस में। और ये किशमिश है, थोड़ा सा किशमिश है। और ये मूंगफली है, इसको मैं भून के इसका छिलका निकाल ली हूँ और इसको कूट ली हूँ। देखिए इतना छोटा छोटा इसको रखी हूँ। मिक्सी में नहीं कूटिएगा, वो मिक्सी में नहीं इसको कीजिएगा, नहीं तो फिर ये पूरा चूर हो जाएगा। इसमें कूट ली हूँ, इसी में इलायची भी कूटी हूँ मैं। तो देखिए इसी तरीके से मैं मूंगफली इसी में कूट ली हूँ। और एलमंड वाला बादाम होता है ना, ये भी 5 से 6 पीस ली हूँ, इसको भी काट ली हूँ छोटे छोटे पीसेस में। और थोड़े से मैं इलायची पाउडर इसी में मैं कूट ली हूँ, उसका छिलका निकाल के कूट लीजिएगा। और देखिए 4 बड़े चम्मच घी है, घी से ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और ये 1 कटोरी बेसन है, आधा कटोरी मैं और लूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी मैं। इसी कटोरी से मैं आधा कटोरी और लूँगी। और देखिए 1 कटोरी से थोड़ा सा कम चीनी ली हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कढ़ाई में बनाऊंगी, आपके पास पैन होगा कढ़ाई वाला, नॉन स्टिक वाला कढ़ाई होगा तो आप उसमें बना लीजिएगा। मेरे पास पैन है तो उसमें अच्छे से नहीं बनेगा, मिलाने में नहीं बनेगा, इसलिए मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। देखिए सबसे पहले मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह फ्राई कर लेती हूँ घी में। देखिए घी गर्म हो गया। अब सबसे पहले इसमें मैं नारियल डालूंगी। देखिए फ्रेंड सारे नारियल मैं डाल दूँ, घी में ही फ्राई कीजिएगा इसको, सारा चीज घी में ही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। 1 मिनट इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं, मीडियम फ्लेम पे। अब देखिए ये फ्राई हो गया, अब इसको निकाल लूँगी, ज़्यादा जलाना नहीं है। देखिए फ्रेंड गड़ी फ्राई हो गया, अब मैं इसमें काजू डाल दूँगी। काजू भी 1 मिनट तक फ्राई करना है एकदम लो फ्लेम पे, ये जल्दी जल जाता है। तो देखिए इसको भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसी तरीके से मैं सारे ड्राई फ्रूट फ्राई कर लूँगी। ड्राई फ्रूट जरूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये हेल्दी भी अच्छा है, मतलब खाने के लिए भी ड्राई फ्रूट जरूरी है, इसलिए इसको ज़रूर डालिएगा। अगर आप लोग नहीं खाते तो स्किप कीजिएगा, हम लोग को अच्छा लगता है इसलिए मैं डालती हूँ। देखिए काजू भी फ्राई हो गया, अब इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। देखिए फिर मैं बादाम नहीं फ्राई करूँगी क्योंकि ये छोटे छोटे पीसेस में है ना, तो ये उसी में घुल जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं फ्राई करूँगी बादाम। अब मैं किशमिश फ्राई कर लेती हूँ। किशमिश ज़्यादा नहीं, 5 सेकेंड में, ये 10 सेकेंड में फ्राई हो जाएगा, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। देखिए 5 सेकेंड भी नहीं लगा और ये फ्राई हो गया। तो अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड किशमिश नारियल और काजू में फ्राई की हूँ सिर्फ, ये सब नहीं फ्राई करूँगी। अब देखिए कढ़ाई गर्म ही है, इसी कढ़ाई में अब मैं बाकी के घी डाल दूँगी। 4 बड़े चम्मच घी है, अब इसको गर्म होने देती हूँ 1 मिनट तक, उसके बाद मैं इसमें बेसन डालूँगी। देखिए फ्रेंड घी गर्म हो गया, अब मैं इसमें बेसन डाल देती हूँ। मैं आधा कटोरी और बेसन डालूँगी, दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए फ्रेंड आधा कटोरी में और बेसन डाल दी हूँ। इस कटोरी से मैं 1.5 कटोरी बेसन डाली हूँ, आप लोग इसी तरीके से नाप लीजिएगा घर में कोई कटोरी से। अब इसको मैं मीडियम फ्लेम पे भून लूँगी, अभी मीडियम फ्लेम पे भूनूंगी, फिर इसको लो फ्लेम कर दूंगी। 3 से 4 मिनट तक इसको लगातार इसी तरह से चला के इसको 5 मिनट तक भून लेना है मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद एकदम इसको लो फ्लेम कर देना है। इसका जब कलर चेंज होने लगेगा तो इसको एकदम लो फ्लेम कर देना है। तो फ्रेंड इसी तरीके से मैं भून लेती हूँ लगातार 5 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे। देखिए इसका कलर अभी से ही चेंज होने लगा है, इस तरीके से चला चला के भून लीजिएगा। और ये सब जो
ये सब जो गाढ़ दिख रहा है ना ये सब सब घुल जाएगा, ये भुना जाएगा ना अच्छे से तो ये सारा घुल जाएगा। देखिए फ्रेंड इसको लगातार चलाते रहिएगा। ये सूजी का हलवा से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, और ये उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगता है खाने में। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसको अच्छे से बस इसको जलने नहीं दीजिएगा, अगर ये जल जाएगा तो इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा इसका टेस्ट खाने में। इसको लगातार चलाते रहिएगा, कोई भी चीज़ बनाते हैं तो थोड़ा बहुत तो टाइम लगता है, टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, इसलिए आप लोग अच्छे से इसी तरह चलाते रहिए। देखिए मैं कंटिन्यू चला रही हूँ, थोड़ा सा भी नहीं छोड़ रही हूँ, नहीं तो छोड़ दूंगी तो फिर ये नीचे से जल जाएगा। बेसन है ना बहुत जल्दी जलता है, इस वजह से इसको हमेशा चलाते रहिए। देखिए इसका कलर कितना ज़्यादा चेंज हुआ है। अभी ये और भुनाएगा 5 से 7 मिनट, जब इसमें घी छोड़ने लगेगा ना तब समझिएगा ये अच्छे से भुना गया है। मैं भी लगातार इसी तरीके से चला चला के भून लेती हूँ। अभी मैं लो फ्लेम कर दी हूँ। देखिए फ्रेंड एक साइड में गर्म पानी चढ़ा दी हूँ, मैं गर्म पानी डालूंगी, आपका मन है तो दूध भी डाल सकते हैं, हमको दूध अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं पानी डाल के बनाऊंगी। दूध का फ्लेवर आने के लिए मैं इसमें मिल्क पाउडर डालूंगी थोड़ा सा। देखिए इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, थोड़ा सा ये और भुनाएगा। इसका देखिए जो गुठली था वो सब भी गाँठ वगैरह जो भी था सब थोड़ा थोड़ा कम हो गया, थोड़ा बहुत और रहा है तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा ना तो गुठली दिखेगा भी नहीं इसमें गाँठ वगैरह। देखिए फ्रेंड्स ये बेसन अच्छे से फ्राई हो गया, अब इसको फ्राई नहीं करना है, 10 मिनट तक मैं इसको अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। देखिए साइड से इसमें घी भी छोड़ दिया। अब इसमें सबसे पहले मैं मिल्क पाउडर डालूंगी, दूध का फ्लेवर आने के लिए मैं दूध नहीं डालूंगी मिल्क पाउडर डालूंगी। देखिए 1 स्पून में मिल्क पाउडर डाल दूँ, 1 स्पून में मिल्क पाउडर डाल दी हूँ। अब इसको मिला लेती हूँ थोड़ा सा, इसी के साथ मैं चीनी भी डाल देती हूँ। देखिए मिल्क पाउडर डाल दीजिएगा ना तो मिल्क से ज़्यादा अच्छा खाने में लगेगा, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए मीठा आप अपने अनुसार लीजिएगा, जितना आप लोग खाते हो उस अनुसार मीठा डालिएगा। तो मैं देखिए थोड़ा सा चीनी रख ली हूँ, इतना में हो जाएगा मीठा, मैं 1 कटोरी से थोड़ा सा कम डाली हूँ। तो मीठा आप लोग अपने अनुसार ले सकते हैं, जितना खाते होंगे उस अनुसार। तो देखिए अब मैं इसमें ये डाल देती हूँ इलायची पाउडर, अभी नहीं डालूंगी। ये बादाम जो मैंने ही फ्राई की थी ये डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं रख लेती हूँ सर्व करने के लिए। देखिए ये सारा बादाम मैं डाल दूंगी, अब इसको 2 मिनट तक। तो देखिए फ्रेंड सारा बादाम मैं डाल दी हूँ, अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ, गर्म पानी जो की थी ना मैं 1 गिलास वो पानी डाल देती हूँ। हलवा वगैरह में थोड़ा सा मीठा अच्छा रहता है ना, थोड़ा ज़्यादा रहता है तो अच्छा लगता है खाने में, फीका हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल दी हूँ। देखिए 1 गिलास पानी ली हूँ गर्म पानी, इसको मैं डाल देती हूँ इसमें। देखिए फ्रेंड मैं गर्म पानी डाल दी हूँ, अब इसको मिला लेती हूँ अच्छे से। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालिएगा, सूजी के जितना इसमें पानी नहीं डलाता है। देखिए इसमें इसका थोड़ा बहुत जो ये गाँठ वगैरह रह गया ना ये इसमें गल जाएगा अच्छे से। इसी टाइम मैं ये सारा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ जो मैं फ्राई की थी घी में, ये सारा ड्राई फ्रूट डाल देती हूँ। देखिए ये थोड़ा दानेदार भी रहता है तो अच्छा ही लगता है खाने में, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये थोड़ा दानेदार ही रहेगा, ये बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अब थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर, देखिए ये इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल देती हूँ फ्लेवर आने के लिए। फ्रेंड कैसा लगा मेरा रेसिपी आप लोग बताइएगा, और इसी तरीके से एक बार जरूर बना के देखिएगा, हमको बताइएगा कैसा बना है कॉमेंट में। मैं इसी तरह का रेसिपी अपने चैनल में डालती रहूंगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहला बार आए तो, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो डालती रहूंगी आप लोग मिस ना कर सके। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमको ढेर सारा सपोर्ट कीजिए आगे बढ़ने में। तो फ्रेंड फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए फ्रेंड कितना अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है बिना।